हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। फ्रेंड, आप सभी को मालूम है, जैसा कि मैं आप सभी को बताया था कि जेपी यूनिवर्सिटी छपरा स्नातक पार्ट वन सेशन 2022-25 परीक्षा फॉर्म भरने का डेट जारी हो चुका है। कल के वीडियो में मैं आपको विस्तार से बता चुका हूं कितना रुपया लगने वाला है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, कैसे फॉर्म को भरेंगे। लेकिन यहाँ छात्र छात्राओं को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत सारा सवाल है, जिसको लेकर के यह वीडियो बनाना पड़ रहा है। चलिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपका सारा का सारा प्रॉब्लम दूर कर दूंगा, तो आपको कमेंट नहीं करना पड़ेगा। चलिए, मैं एक एक करके आपके सभी सवालों का जवाब देना शुरू करता हूं। उससे पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के चैनल को फॉलो कर लीजिए। वहां पर आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती है। चलिए फ्रेंड, सबसे पहला सवाल देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है कि जो जेपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन भरा जाएगा कि ऑफलाइन भरा जाएगा। फ्रेंड, आप सभी को यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि आपका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। कहाँ से भरा जाएगा? तो जेपी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट jpvadmission.org पर जाकर के आप सभी फॉर्म को भर सकते हैं। फ्रेंड, आज है 30/11/2023 और आज से ही आपका परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। फ्रेंड, आप सभी को मैं क्लियर कर दूं कि अभी सुबह का समय है, अभी आप सभी देख सकते हैं कि 8:14 हो रहा है, अभी इतना सुबह में लिंक को एक्टिव नहीं किया जाता है। आपका फॉर्म भरने का जो लिंक है, 12:01 के बाद ही आपका फॉर्म भरने का लिंक एक्टिव किया जाएगा, आज यानी कि 30/11/2023 को। तो आप सभी को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उत्पन्न होता है, बहुत सारे छात्र छात्राओं का ऐसा कमेंट आया है कि सर, अभी तो मुझे रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिला है। तो फ्रेंड, आप सभी को मैं कल के वीडियो में भी क्लियर किया था और आज के वीडियो में भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी को अपने कॉलेज में जाना होगा। कॉलेज में जाने के बाद काउंटर से आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड को लेंगे, उसके बाद ही आप परीक्षा फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर एक और बात को मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आप सभी को मालूम है कि राजभवन से आदेश आया था कि जो भी छात्र 75% क्लास में उपस्थित होंगे, उन्हीं का फॉर्म भरा जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी को देखना होगा कि कॉलेज आप सभी को क्या करता है, आप सभी को परीक्षा फॉर्म भरने देता है या नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे छात्र एवं छात्राएं हैं जो कॉलेज नहीं गए हैं, कुछ ही छात्र एवं छात्राएँ हैं जो कॉलेज जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी बात होने वाली है छात्र छात्राओं के लिए। चलिए, ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगला प्रॉब्लम है फ्रेंड, आप सभी को मैं क्लियर करना चाहूँगा, इस बात पर थोड़ा जोर देंगे और ध्यान देंगे। फ्रेंड, आप सभी का जो फॉर्म भरा जाएगा उसमें आपका यूजर नेम या ईमेल एड्रेस लगेगा, उसके बाद आपका पासवर्ड लगेगा। फ्रेंड, आप सभी को बता दूँ कि जब आप अपना नामांकन के लिए ऑनलाइन किए होंगे, तो उस समय आप अपना जेपी यूनिवर्सिटी के साइट पर एक अकाउंट बनाए होंगे, जिसका आप सभी को यूजर नेम और पासवर्ड मिला होगा। उस समय आप ईमेल आईडी भी दिए होंगे, तो आपके पास यूजर नेम या पासवर्ड या ईमेल आईडी या पासवर्ड होना चाहिए। एक और बात यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि जो आप लोग जीमेल बनाते हैं, जीमेल का अकाउंट अलग होता है तथा जेपी यूनिवर्सिटी का अकाउंट अलग होता है। हो सकता है कि आप जीमेल का भी तथा इसका यानी कि जेपी यूनिवर्सिटी के जो भी साइट पर यूजर नेम पासवर्ड बनता है, दोनों का पासवर्ड एक ही रखे हों, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन यहाँ पर जेपी यूनिवर्सिटी का अकाउंट अलग होता है और जीमेल का अकाउंट अलग अलग होता है, तो इस बात को आप सभी अच्छे तरीके से ध्यान देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसको भी अच्छे तरीके से क्लियर कर लिए होंगे। अगला सवाल फ्रेंड, एक और बात आप सभी को बता दूं कि आप सभी अपने फॉर्म को सही सही भरेंगे।
अगर कहीं भी गलती कर देते हैं तो फिर आप सभी को बता दूं कि सुधार करना बहुत ही दिक्कत वाली बात है, क्योंकि यहां पर जेपी यूनिवर्सिटी में कोई रेगुलर तो काम हो नहीं रहा है। अगर आप लोग गलती कर देते हैं तो समझ जाइए कि कितना टाइम लगेगा सुधार करने में, तब तक मालूम चलेगा कि आपका एग्जाम खत्म हो चुका है। तो आप सभी एकदम देख कर ही फॉर्म को भरेंगे, आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड सबसे पहले लेंगे, उसके बाद आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड होगा ही। आप हो सकता है कि मान लीजिए साइबर कैफे में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो, तो आप सभी मोबाइल से भी अपना परीक्षा फॉर्म को भर सकते हैं तथा उसका प्रिंट कॉपी निकाल करके आप कहीं भी जहां पर फोटो स्टेट होता है वहां पर प्रिंट आउट निकाल लेंगे। एक और डाउट आप लोगों को यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जब आप अपना परीक्षा फॉर्म को भरेंगे तो वहाँ पर आप सभी को मालूम है कि कोई भी फॉर्म भरते हैं तो एक प्रिंट कॉपी निकलता है, तो प्रिंट कॉपी निकलेगा तो उसका आप लोग दो कॉपी निकालेंगे, एक कॉपी नहीं निकालेंगे। एक कॉपी आपके पास रहेगा तथा एक कॉपी जो होगा कॉलेज में सत्यापित करा करके उसमें आपका जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा, कल के वीडियो में मैं बता दिया हूँ कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, वो प्रिंट आउट तथा सभी डॉक्यूमेंट को अपने कॉलेज में सत्यापित कराएंगे। सत्यापित करा करके आप अपने कॉलेज में ही जमा कर देंगे तथा एक कॉपी अपने पास रखेंगे, क्योंकि भविष्य में आपको वह कॉपी काम देगा। उसमें आपका एग्जाम आईडी रहता है तथा मान लीजिए कि आप फॉर्म को सही सही भरे और एडमिट कार्ड में कुछ गलती हो जाता है तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि सर जब मैंने सही सही भरा है हर चीज़ को तो एडमिट कार्ड कैसे गलत हो गया। तो इन बातों को आप सभी अच्छे तरीके से ध्यान देंगे और परीक्षा फॉर्म को भरेंगे। उसके बाद आगे एक और बहुत बड़ी सवाल यह उत्पन्न होती है कि बहुत सारे छात्र छात्राएं ये कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने बताया है कि जो भी स्टूडेंट 2020 पार्ट वन में प्रमोटेड है वो भी फॉर्म भर सकते हैं या 21-24 पार्ट वन में प्रमोटेड है वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर 21-24 वाले जो भी प्रमोटेड हैं उनका तो अभी मार्कशीट ही नहीं आया है, तो वो लोग कैसे फॉर्म को भरेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं आप सभी को क्लियर करना चाहूँगा कि इसके लिए आप सभी अपने कॉलेज में कॉन्टेक्ट करें, कॉलेज ही आपका बताएगा कि आपको क्या कुछ करना है। मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, जब यूनिवर्सिटी आपका मार्कशीट जारी ही नहीं किया और डेट निकाल दिया फॉर्म भरने का, तो ये तो मामला कॉलेज का है, यूनिवर्सिटी का है, कॉलेज क्या कुछ बताएगा आप सभी जाकर के अपने कॉलेज में कॉन्टेक्ट जरूर कर लें। चलिए फ्रेंड मैं कोशिश किया हूँ कि आपके सभी सवालों का जवाब दे दूँ, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दूंगा। चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।